राणा, मुरली कार्तिक, नेहरा सारे, यूनुस खान, अब इसमें राहुल द्रविड़ वगैरह नहीं है, अफरीदी अफरीदी, यूसुफ जाना, सचिन सौरव, उमा भारती, टाइगर वुड्स, अब देखो ना मेरी फोटो पकड़ के खड़ा है, इसको मैंने दुबई में अंदर लेके गया था, पूरा देखो ये अपने डीजीपी साहब ने करा, ये पूरी न्यूज, ये पेज वन, पेज वन से लेके फिर पेज टू पे बालाजी की इन्वाइट किया मेरे को वहाँ पर। ये बताइए कि ये जो आपने इतनी सुंदर यहाँ पर एग्जीबिशन लगाई है, ये विचार आया कैसे आपके दिमाग में? ये 20 साल पहले दुनिया की आज तक की सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक है। तो मैं ये दिखाना चाहता था बच्चों को कि टेररिज्म कितना ख़राब चीज़ है, वो हमारी खूबसूरत दुनिया को कैसे बर्बाद कर रहा है। और अभी आप 20वीं वर्षगांठ है उसकी, तो कई बच्चे जो 2001 के बाद पैदा हुए उनको तो पता भी नहीं कि क्या हुआ। तो मेरा मकसद यही था कि दुनिया में हमें शांति चाहिए, टेररिज्म नहीं चाहिए। समय की कुछ मतलब यादें आप ताज़ा कर सकते हैं हमारे साथ में, जब आप वहाँ थे, जब ये घटना घटी? भाई देखो, हर तरफ बहुत बुरी है। एक ऐसी घटना जिसमें एक ही झटके में 3000 लोगों की जान चली गई, तो मतलब दोबारा दुनिया में ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, ये हमें सबक मिलता है। और इसके लिए हम सबको मिल के आतंकवाद से लड़ना होगा। उस टाइम तक हमें ये नहीं पता था कि जो हम खींच रहे हैं ये दुनिया की इतिहास बनने वाला है, हमें नहीं पता था। ये तो नहीं पता था। और ये जो 102 फ्लोर थे ना, पूरा दिख रहा है एक एक फ्लोर। हमारे पास दो ऑप्शन थे कि आज आपने एम्पायर स्टेट पर चलना है या ट्विन टावर पर चलना है, क्योंकि ट्विन टावर जो देखो ना वो कैसा दिखता है, उसके पीछे पानी था, उधर स्टैचू ऑफ लिबर्टी था। तो मैंने लालच करा, मैंने ट्विन टावर पर कल जाएंगे, आज तू हमारे पास एम्पायर स्टेट में लिखा, ये हमारा ट्विन टावर पर जाना नहीं लिखा है ना। ट्विन टावर के नीचे से आए, मैं दिखाता हूँ फोटो, हाँ उसमें नहीं लिखी पहले, इसके ऊपर गए तो ये बिल्डिंग ऐसे होती है, हाँ इतनी बड़ी है ना, सिंगल बीम पे होती है ना, तो ऐसे लगता है आपको प्लेन में बैठे, कम प्रूफ है। अटैक के बाद भी एक मुसलमान मस्जिद का डोनेशन आई लव अल्लाह आई लव इस्लाम देखे बिना किसी डर के। मैं
देखने हम भी पाकिस्तान ही अरबी लगते हैं। मैं फोटोग्राफी कर रहा हूँ, कोई किसी ने मुझे पुलिस ने पकड़ा नहीं, अगर मुझे पकड़ लेते हैं तो अभी साथ जेल में डाल देते, पता ही नहीं लगता, पता भी नहीं चला। तो ये हमारे क्रिमिनल ग्रुप 38 साल की उम्र रही है और इनकी इनके साथ जो ब्रुकलिन ब्रिज था उसकी उम्र 200 साल, एक दादा के सामने पोते के यंग पोते के दर्द है ना। अच्छा, अब ये 110 फ्लोर है, ये सारे नेटवर्क सिस्टम था इसके ऊपर लगे हुए, सारे ये जितने टावर लगे हुए, ये दिख रहे ना यहाँ छोटे, ये इतना बड़ा था कि इस बिल्डिंग से 4 लगे ऊपर और इनके ऊपर इतनी गिरती थी जब वो होती थी ना, तो अर्थिंग नीचे गिर गई थी। आपको दूर से देखो बिजली कटा थी खींच गए खुद ही, ये मतलब पूरे मैनहट्टन को बिजली से भी गिरने देता है। अब इन बिल्डिंगों को आप देख लो, मैं दिखाऊंगा आपको बाद में आप क्या लगता है। और ये वो थे, ये दो जहाज सेम कंपनी के थे, यही दोनों टकराए थे, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये दोनों टकराए थे, मुझे नहीं पता। जैसे देहरादून में हमारे जो जहाज आ रहा है उसमें सवारियाँ बदल रही, जहाज नहीं बदल रहे थे। जो बॉम्बे से या दिल्ली से आता है तो पहले बॉम्बे वाला दिल्ली आता, दिल्ली से यहाँ जाता है, जयपुर से दिल्ली आता, दिल्ली से यहाँ जाता है। तो प्लेन तो वही है ना, 4-5 जो आते हैं, तो हो सकता है ये प्लेन वही हो। ये हमने 3-4 क्योंकि हम वहाँ लोगाड़िया एयरपोर्ट के पास रहते थे, तो कितनी प्लेन ले भी जाते थे, बड़ा लेंथ था, कितनी लगा ली 2-3 महीने की। अब हमने ढूंढे ना तो गूगल करा टीम में, यूनाइटेड और अमेरिकन एयरलाइन है, और हो सकता है हम उसको अगर नंबर वंबर मिलाएँ तो शायद ये भी वही निकला, वही निकला। तो आप सोचो कि इतने बड़े प्लेन जब इसमें टकराए थे तो ऐसे लग रहे थे कि चिड़िया टकराई है। तो आप इसका अंदाज़ा लगा लो कि कितने ह्यूज थे, इससे दाल आती है कि उनकी 6 है और इसको इसके ऊपर हम 110 कर दें, मेरा हैड इधर तक नहीं होगा। ये रेयर ऑफ रेयरेस्ट है, ये चीज़ें दोबारा नहीं बन सकती है ना, उसकी पेंटिंग में बन जाएगी लेकिन फोटो नहीं बन सकती। कब से प्रेरणा मिली आपको फोटोग्राफी में? कोई ऑलमोस्ट मुझे 3 दशक हो गए। वैसे मैं स्पोर्ट्स करता हूँ, सारे दुनिया में जाता हूँ, स्पोर्ट्स कवर करता हूँ ना, क्रिकेट, टेनिस, गोल्फ ना, घुड़दौड़, लेकिन क्रिकेट मेरा पैशन है, क्रिकेट मेरा पैशन है। तो क्रिकेट के सिलसिले में वहाँ गया था, उसके बाद US ओपन था, US ओपन कवर किया और फिर ये घटना होगी। तो एज ए ह्यूमन बीइंग तो बहुत ख़राब घटना थी, लेकिन एज ए फोटो जर्नलिस्ट ये एक कवर करने वाली बात थी ज़रूर, क्योंकि इतिहास था, इतना बड़ा इतिहास अगर मिस हो जाता तो दुनिया बच्चों को शिक्षा कैसे मिलती। ये आर्मी ये मैं स्पॉट पे हूँ, तो ये अदर ट्विन टावर ऑफ न्यूयॉर्क, फायर फाइटर एंड वेटिंग, इन्होंने बड़ा काम किया। ये आखिरी शाम, आखिरी रात, ये वो पिक्चर है जिसके 8-9 घंटे के बाद पूरी दुनिया बदल गई, हमेशा ही बदल गई। और ये देखो आप, ये ब्रुकलिन ब्रिज अगर 200 साल पुराना है और ये 38 साल पुराना है, ये एज ए फोटो देखो आप कितनी खूबसूरत है आपने, है ना, लगाने लायक। लेकिन अगर आप इसको हिस्टोरिक देखो तो फिर तो कोई मतलब देश की होगी नहीं। ये देखो आप पहले, ये 20-25 दिन तक बात की है, अब ये देखो ये क्या लग रहे हैं, ये देखो क्या। और जब ये मैंने ये फोटो बैठ करके बोले ये खींची पूरा अपने न्यूयॉर्क खत्म हो गया, ऐसे पूरा रहा हूँ, पूरा रहा 8-10 में 4-5 लगे हैं मुझसे न्यूयॉर्क। दूसरा ये फोटो आप सोचिए नेगेटिव से खींची, कैमरे में बोलते कटर क्रच और दिखता नहीं था कि क्या खींचा क्या नहीं खींचा, पता होता था जब घूम के आएगी प्रिंट बनेगा तब पता लगता था। और ये फोटो खींचने के लिए आपको स्टैंड चाहिए, ये तो करते हैं ना, इनको पता है बिना स्टैंड के तो नाइट फोटोग्राफी हो नहीं सकती, इसमें उधर हाथ हिल ही जाएगा। और मीनों दूर किया ये आप कम से कम, ये तो 20-25 किलोमीटर का एरिया देखते हैं, 20-25 किलोमीटर का एरिया, एक एक आपको दिख रहा है आसमान में जो रोशनी का ऊपर जा रही है, उस रोशनी की रिफ्लेक्शन भी दिखती है, हडसन नदी के बीच में जो डेवलप कैसे क्लियर दिख रहा है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं
फोटोग्राफी के माध्यम से आपका क्या रहता है आइडिया कि क्या मैसेज जाना चाहिए? भाई मेरा तो संदेश देखो, इस एग्जीबिशन का एक ही संदेश है कि दुनिया जो है वो प्रेम से चलेगी, नफरत से नहीं चल सकती। और हमको सबको मिलके आतंकवाद की आलोचना करनी पड़ेगी, आतंकवाद के खिलाफ हम सबको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। अब बच्चे पूछते हैं तो कहेगा ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें ऐसी खूबसूरत दुनिया चाहिए या ऐसी दुनिया चाहिए, इस वो कितनी खूबसूरत लग रहा है और वो देखो वही एंगल है क्या लगता है। स्पिरिट देखो उनकी, उन्होंने लाइ एक झूठ रहा उनका अमेरिका का और लाइट भी बन गई, मेरे को लग रहा था कि जरा जगह रहेगा यहाँ, अगर मैं चूक जाता ना, अगर मैं फोकस यहाँ कर लेता तो ये खत्म हो जाता। तो उस टाइम दिमाग काम कर रहा था, मैनुअल लेंस मैनुअल फोकस, लेकिन जो मिला कर लिया। अब देखो कैसे भाग रहे हैं आप, देखो तो मैं फ़ोटो खींच गया हूँ, मैं अभी फ़ोटो खींच गया हूँ और इतनी तेज़ी से खींच गया हूँ कि इनको पता लग गया ये भागना शुरू हो गया, इसको पता ही नहीं लगा अभी इसके पीछे ये है ना बिल्डिंग। भाई आप ऐसे खड़े हो गाड़ी के पीछे, आपको क्या पता इस बिल्डिंग के पीछे क्या हो रहा है, जो दूर से उनको दिख गया ये भागने शुरू हो गए, ये सब भाग रहे थे। एक्चुअली इट वॉज सो सडन कि कोई साइकिलिंग के सुबह का था, साइकिलिंग के लिए निकला हुआ था, कोई कुछ निकला हुआ था, ये था वो आदमी। अब ये अभी देखो ये दाग है, जिस आदमी ने हमारे वहाँ फोटो देखी कर एक मेरी ऐसी शांति की मुद्रा की फोटो खींचो कि हमें क्या पता कि आखिरी दुनिया की आखिरी शांति है, पूरा ये हमेशा के लिए शांति हो। अच्छा अब इसको देखो, अब इसको अगर आप प्रलय से कंपेयर करो, प्रलय जो प्रलय थी ना वहाँ पर 3,000 लोग मरे ऐसे बन गए एकदम, लोग चक्कर काटते ऊपर से छलांगे वाली लोगों ने इतनी आग की, बिल्डिंग आग लगी है तो बड़ा टाइम लगा, छः बिल्डिंग उसकी आग हो तो आधा किलोमीटर दूर नहीं खड़ा किलोमीटर। ये आदमी मेरे को लगता है 85-90 साल का रहता है, 2 फुट ऊंचा पैर रहता हवा में और उसने अपनी वाइफ का हाथ नहीं छोड़ा था, ये नहीं है कि वो उधर भाग गया और वो उधर भाग गई पता नहीं लग रहा, और ये सारा ऐसे आया था जो हमारे पास मेरे कैमरे से जब तो मैं खींचता गया जो मिला था मुझे पता था जिनको खींच रहा हूँ ये हाथ बनने लगा। अब 110 क्या होगा उधर खींच दो खींच दो, फोटोग्राफी का नहीं बना आँख से इससे देखो ऐसे करके ना देखो, क्योंकि ऐसे करके देखोगे फिर फोकस करोगे चूक दो जो कुछ देखना चाहिए करो, बाद में खराब हो जाएगा नेटवर्क। अब ये फोटो में 2 संदेश कि डूम्स डे था, ये डूम्स डे पूरी दुनिया को आतंक ने ढक लिया, 700 फीट ऊँची हाथ आ गई ये, क्योंकि 40 फीट ये 40 मंजिल की ये बिल्डिंग है, 10 फुट की भी हाल होगी 600-700 फीट ऊँची आ गई, लेकिन उसके बावजूद भी उम्मीद की एक किरण ना हो लाइट फ्रेमिंग हम जब मैंने बनाया ना तो मैंने उस हिसाब से काटा है, और जब हम वहाँ से आए थे तो रात को ये 12:30 दुनिया बड़ा बड़ी रंगीन दुनिया थी, बड़ा आराम से एकदम चला रहे थे यार। और अगले दिन रात को 1 बजे ये कर रहा हूँ और अगले दिन मैं जा रहा हूँ, दिल में ये हो रहा है कि गोली ना मार दें, कोई भी खड़ा ना उसको पकड़ ना लें, लेकिन ये देखना था कि जिस पर चलने की जगह नहीं, जिस पर गाड़ियाँ रेंगती थी ये 2-3-4 किलोमीटर दूर से था, पता नहीं कितनी दूर से था, मुझे दूसरा बिल्कुल देखे ना हमने हम एक उस टाइम खींच ली, लेकिन अब ये दिखा ना जिंदगी के लिए बचाने के लिए लोग कैसे भाग रहे हैं। ये देखो ये ट्रेन है, ये ट्रेन के भी तीन चलते मेट्रो ट्रेन, ये नीचे मेट्रो चलती थी ऊपर से गाड़ी जाती थी, इसके नीचे से भी चलता होगा गाड़ी, लेकिन इससे पंखी तो बनती नहीं, बनती तो नहीं दिखा सकते थे आपको क्या होगा। ये देखो आप कैसे भाग रहे हो, इतनी तेज भाग रहा होगा इसकी टाइम उड़ गई हवा से, इसको देखो आप इतनी बढ़िया साइकिल है, अपने घर से निकाल के झंडा लगाया उसने पीछे और पहले इतनी शो करने के लिए फायर फाइटर से आके कैसे मिलूस होकर देख रही है बिल्डिंग को गिरते हुए धुएं को आग को, पूरी अमेरिका की दशा आई है ये ब्लैक एंड व्हाइट दोनों एक फ्रेम में मिल गए थे रोड पर, हम गए थे ना उसमें वो फेरी में टिमी दिख रही है ना, ये फेरी में ऐसे घुमाते शुरू कर देते तो ये दोनों इसमें स्टैचू के बच्चे ऊँचा लगा हम दोनों मिल गए मिल गए तो बिल्कुल नीचे खड़ा हूँ, हम गए बैल स्टेशन घूम के आगे। अब देखो कि कहाँ तो ये हालत थी अंदर, अब
ये पिक्चर जो है ना, ये शो करती है कि पूरी दुनिया में जिसका भी बच्चा भाई रिश्तेदार था वो उस टाइम फोन कर रहा था कि न्यूयॉर्क में क्या हो गया, न्यूयॉर्क में क्या हो गया। और टावर गिरे तो मैंने बताया था टावर सारे उसके ऊपर थे, ट्विन टावर गिरे तो सारा वो कन्फ्यूजन हो गया उसके, वो किसी का फोन मिल रहा है किसी का नहीं मिल रहा। तो अब ये आंखें बता रही है कि जिसके बारे में ये पता कर रही थी वो ठीक है भाई, देख रहे कितनी खुशी की आंखें हैं। कम से कम मैंने इतनी आँखें वो पेड़ कैंड लगा लो गार्डन में, दूसरे फोटो ली हुई है, मैं कभी इससे मिला नहीं। मेरी थॉट है, फोटोग्राफर की थॉट है, क्योंकि और तो कोई कारण नहीं था जब भी डालने का, जोर से इतनी खुशी, इतनी जब दुनिया में हो रही है तो ये कोई मैच में कोई जीतने के बाद तो जब भी डल नहीं थी। जो फोटोग्राफी करना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या रहेगा, क्या बच्चे जो फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड रहते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई दुनिया में आपको अलग दिखना है ना अगर, तो फोकस करना पड़ेगा और मेहनत बहुत करनी पड़ती है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। कुछ अलग हट के फोटोग्राफी करोगे तभी तो नाम बनेगा। तो आसान नहीं है कोई भी चीज़ दुनिया में, कोई भी काम है आसान नहीं है, उसी तरह फोटोग्राफी।